झांसी जिले के तहसील मऊरानीपुर में अचानक आए मंडलायुक्त अधिकारी ने मऊरानीपुर कृषि विभाग के गोदाम में जाकर वहां के कार्यों की जांच की। वहीं पर उपस्थित किसान नेता अखिलेश लिटोरिया व आदि किसानों ने आरोप लगाया कि कृषि विभाग अधिशासी अधिकारी डिंपल कैन द्वारा किसानों की किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाती है, न तो वे अपने ऑफिस में उपस्थित रहती हैं और न ही उनका मोबाइल कभी जनता की समस्या सुनने के लिए लगता है। ऊपर से वह अपने आप को विधायक का रिश्तेदार बताती हैं। किसानों ने बताया कि विधायक प्रतिनिधि के द्वारा उन्हें मोबाइल पर धमकियां दी जाती हैं कि अगर वे लोग कृषि विभाग की अधिकारी डिंपल केन के खिलाफ कोई शिकायत करते हैं तो किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवा दिए जाएंगे। जो आज आपकी तरफ से आरोप लगाए हैं, तो आपके क्या आरोप हैं इनके कृषि विभाग की मैडम की तरफ से? कृषि विभाग की मैडम को एक साल पहले मैंने शिकायत की थी सीडीओ साहब से। क्या था कि हम वहाँ पर पहुँचे, बहुत सारे किसान थे, तो मैंने मैडम को फ़ोन किया। मैडम ने कहा मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, मतलब झूठ बोलती हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे में वहाँ बैठा रहा, सारे किसान बैठे रहे। इसके बाद मैं किसानों ने सीडीओ साहब से बात की, हमने भी फ़ोन लगाया, तो सीडीओ साहब ने कहा ठीक है हम इस पर कार्रवाई करते हैं, जो भी उनने कार्रवाई की हो। इसके पश्चात करीब 8 दिन बाद मेरे पास एक फ़ोन आया, बोले अखिलेश लिटोरिया जी कहाँ हो तुम? हमने कहा सर हम बस में थे, आवाज़ साहब से हमने ये बताइए। अरे बोले ये बता तुमने सीडीओ साहब से शिकायत की है? मैं विधायक का प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। मैंने कहा विधायक का प्रतिनिधि बताओ। बोले आपने सीडीओ से जो शिकायत की है उस शिकायत को आप तत्कालीन वापस कर लें, यहाँ पर सीडीओ की नहीं चलती है, यहाँ पर शिकायत जो आपने की है उसको तत्कालीन कर लें, जो मैं लिखूँगा उसके अनुसार कार्य होगा। ये हमारे साथ घटना हुई। और बोले आप कहाँ पर हो? वहीं पर आ जाऊँ, मैं वहीं पर देख लूँ, और जहाँ पर आप मिलेंगे वहाँ पर देख लूँ। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग आज भी है। किस विधायक का रिश्तेदार बताती हैं? यहाँ मऊरानीपुर विधायक व्याहीलाल जी का रिश्तेदार बताते हैं, वर्तमान में। हाँ जी, जो बताया है। तो अभी तक आपको अभी क्या आश्वासन मिला गया है आपको? कमिश्नर साहब ने कहा है कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे और इसकी जांच कराएंगे। मैंने तो ये भी कहा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इसको आप भी सुन लीजिए। मऊरानीपुर में जो किसानों ने आपको अभी ज्ञापन दिया है, उन्होंने बताया कि दम दी जा रही है किसानों को और मैडम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है उनके ऊपर। भारतीय किसान यूनियन के 2 प्रतिनिधिमंडल 3 बार मिले हैं, 2 बार तहसील दिवस में, और अब मैं यहाँ इस जो हमारा किसानों का ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ बीज सेंटर है, इसको देखने आया हूँ। यहाँ पर भी ये बात आई है, पहली बार मुझे यहाँ की इंचार्ज की इन्होंने शिकायत की है कि जो DBT का पैसा है, DBT मेथड से जो पैसा दिया जाता है, सीड सब्सिडी वगैरह, वो गलत खातों में भेज दी जा रही है। शिकायत इस बात की है कि खाते का नंबर गलत कर दिया जाता है। अब टेलीफोन से किसने क्या कहा होगा, मैं इसकी तहकीकात करवाऊँगा, लेकिन किसान को समय से उसकी जो उसका हक है, अगर बीज पे सब्सिडी है, बीज पे छूट मिल रही है, वो मिलनी चाहिए। इसमें गलती कहीं हो रही है, मैं पहले ही उसको जिला कृषि अधिकारी को आदेशित कर चुका हूँ, CDO से मेरी बात हो गई है, और एक बार इसको पुनः मैं जिलाधिकारी और CDO के संज्ञान में लाऊँगा ताकि इसमें तत्काल जो नियमानुसार कार्रवाई हो सके। किसानों ने बताया कि कृषि विभाग अधिकारी डिंपल के इन शिकायतकर्ताओं को धमकी देती हैं कि जिसको जो करना है वह कर ले। वे इसी तरीके से दबंगई से काम करेंगी क्योंकि उनके फूफा जी इस समय विधायक हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। किसानों ने हिम्मत करके बड़ी उम्मीदों के साथ मंडलायुक्त के सामने गुहार लगाई है। मऊरानीपुर से पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।